आयातकों की धीमी बिक्री से फिलहाल मसूर में तेजी के आसार नहीं दिखाई दे रहे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में मसूर की उपलब्धता बढ़ने से और वहां निर्यात व्यापार कमजोर होने के कारण पिछले एक महीने में 25 से 30 डॉलर प्रति टन की गिरावट आ चुकी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया नगेट मसूर के दाम मुंबई में 520 से 525 डॉलर के आसपास बताए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की मसूर के दाम कनाडा की तुलना में काफी सस्ते हैं। अभी तक नई ऑस्ट्रेलियन मसूर में कारोबार काफी कम है और वहीं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में मसूर की कटाई जो पहले धीमी थी अब तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि विक्टोरिया में अभी कटाई का काम धीमा है क्योंकि वहां पिछले पहली बारिश हुई थी। नई विदेशी मसूर की क्वालिटी अच्छी बताई गई है। आगे साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत में भी काफी फसल आना अभी बाकी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया कृषि विभाग के अनुसार विपरीत मौसम के बावजूद मसूर का उत्पादन बढ़कर 10,05,000 टन रह सकता है। दूसरी ओर भारत में भी मसूर की बोवनी पिछले साल की तुलना में अच्छी हुई है, जिसके चलते उत्पादन भी जोरदार आने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल भारत में देसी मसूर का स्टॉक लगभग सिमट चुका है और खपत की पूर्ति आयातित मसूर से की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए बड़े आयातक मसूर की बिकवाली काफी धीमी गति से कर रहे हैं, जिससे मसूर के दाम स्टेबल हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगे मसूर में कहीं से कहीं भी तेजी के आसार दिखाई नहीं दे रहे। बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि मसूर की कीमतों में फिलहाल आगे चलकर गिरावट बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।